गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अमित्स ट्रैवल ब्लॉग। सो अभी मैं हूँ पवना नगरी में, पवना रिवर के पास में। सो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ मेरे गिम्बल का रिव्यूज़ के लिए। सो रिसेंटली मैंने ऑनलाइन अमेजोन से वीकूल कंपनी का G2 गिम्बल परचेज किया है मेरे ब्लॉगिंग के लिए और मेरे ब्लॉगिंग के इफ़ेक्ट्स को और इम्प्रूव करने के लिए। सो आज मैं उसका रिव्यू आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। उसका मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है तो मैं उसका अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाऊंगा और उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप इंटरेस्टेड होंगे V2 गिम्बल के बारे में, वीकूल G2 गिम्बल के बारे में सुनने के लिए और उसके परफॉर्मेंस के लिए, तो आप ज़रूर ये ब्लॉग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड देन हम लोग उसके गिम्बल के थ्रू बहुत सारे शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो आप अंत तक ऐसे ही बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलो चलते हैं टू अनबॉक्स द V2 G2 गिम्बल। सो दिस इज V2 कंपनीज G2 गिम्बल बॉक्स जो अमेजोन से आया है। सो चलो इसको अभी ओपन करते हैं। This is it. This beautiful V2 company's second version of gimbal G2. So काफ़ी अच्छा gimbal है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, specifications भी काफ़ी अच्छे हैं इसके वाले। So मैंने इसको जब देखा ऑनलाइन तो काफ़ी खुश हुआ था, बट कहते हैं ना ऑनलाइन देखने में और खुद से एक्सपीरियंस करने में फ़र्क होता है, तो आज वो फ़र्क हमको पता चलने वाला है। तो इसमें फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने LED लाइट भी दिया हुआ है नाइट में शूटिंग के लिए। देन यहाँ पर ये मोबाइल होल्डर भी है, देन दिस रिमोट कंट्रोल्स भी है, एंड देन यहाँ पर बटन्स भी है और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको। और ये जो LED लाइट है ये आप देख सकते हो, तो इस तरीके से ये ग्लो होती है और इस तरीके से लाइट चेंज होते हैं। तो अभी मैं डे सनलाइट में आपको ये दिखा रहा हूँ, इसके वजह से ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है उतने अच्छे से, बट नाइट में भी मैं आपको कुछ शॉट्स इसके दिखाऊंगा इसके LED लाइट्स के। सो कुछ इस तरीके से दिखता है ये कंप्लीट गिम्बल। तो यहाँ पे आपने देख सकते होंगे कि यहाँ पे इन्होंने ट्राइपॉड स्टैंड भी दिया है एंड उसके बाद में सेल्फी स्टिक, अगर आपको एज इसको सेल्फी स्टिक यूज़ करना है तो यहाँ पे इन्होंने इसका हैंडल भी दिया हुआ है जिसको आप एक्सटेंड करके सेल्फी स्टिक भी बना सकते हैं। एंड देन इसका यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी अवेलेबल है जिसमें मोटर लगी हुई है पीछे में, जो रोटेट करके आप अलग अलग एंगल्स में 360° व्यूज़ आप कैप्चर कर सकते हो। एंड सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर मुझे पसंद आया वो था इसका LED लाइट फीचर, तो वो काफ़ी पसंद आया था मुझे। बहुत सारे गिम्बल्स मैंने देखा जहाँ पर ये फीचर अवेलेबल नहीं था। काफ़ी टाइम होता है कि नाइट में हम लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं तो हमको लाइट की ज़रूरत होती है, बट मोबाइल का लाइट इतना सफिशिएंट नहीं होता है, तो गिम्बल में इनबिल्ट एक उन्होंने काफ़ी बड़ा लाइट यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है जिसके वजह से इसका ये यूनिक फीचर आप मान सकते हो। उसके बाद में ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है एंड देन दिस सेल्फी स्टिक बनाने के लिए जो हैंडल इन्होंने अवेलेबल प्रोवाइड किया है यहाँ पर, वो भी एक अच्छा फीचर है इसका वाला। देखने में तो काफ़ी अच्छा है, बट अभी देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो चलो चलते हैं इसके परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। सो अभी हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट लोकेशन पे, यहाँ से नदी के पास में। तो यहाँ पे पवना रिवर में इन्होंने कुछ गांव वालों ने कुछ केकड़े पकड़े हुए हैं, तो चलो उनको देखते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो मैंने सोचा यहाँ पर रुका जाए और केकड़े को कैप्चर किया जाए। तो ये है केकड़े आपके सामने। जीवंत है का चालत नहीं ना तो बांधून ठेवला आहे का। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये जिंदा केकड़े आप देख सकते हो। हाँ, किती रुपये का एक आहे? 300 रुपये का एक केकड़ा आहे। पकडून दाखवून द्याला वरती असा। वाव, ये पूरा
सो अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने नॉर्मल कैमरे से रिकॉर्ड किया है। अभी मैं जो आपको व्यू दिखाऊंगा वो आपको वॉक करते हुए दिखाऊंगा कि वीडियो का कवरेज और फुटेज कैसा आता है। सो कुछ इस तरीके का कवरेज है, आप देख सकते हो मैं वॉक कर रहा हूँ बट काफ़ी शेकी कवरेज है, काफ़ी अनस्टेबल है ये, आप देख सकते हो। और ये सर है जो मेरे साथ में आए हैं, ये यहाँ पे ड्रोन शॉट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्लेस है जहाँ पे हम लोग आज रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं, तो मैं ड्रोन शॉट्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा आफ्टर दिस। बट ये जो मैंने कवरेज लेने की कोशिश की है गिम्बल से, मैंने मेरा आईफोन लगाया हुआ है गिम्बल पे और मैं जस्ट वॉक कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि कितना शेक हो रहा है ये और अनस्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। सो इसे मैं 5 में से जस्ट 2 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि इस तरीके का परफॉर्मेंस अगर गिम्बल से आता है तो इट्स नॉट वर्थ। हम लोग गिम्बल परचेज़ करते हैं फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबलाइजेशन, बट अगर परफॉर्मेंस नहीं है सो उसका कोई यूज़ नहीं। अभी हम लोग और अदर मोड्स में इसका रिव्यू टेस्टिंग करेंगे, इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे। सो चलो चलते हैं आगे फॉर टेस्टिंग अदर्स। और ये है वो ब्यूटीफुल ड्रोन्स की शॉट जो सर बीच में ले रहे थे, मैंने जो आपको बोला था मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य कैप्चर होता है ड्रोन से और ये कुछ फुटेज हमने यहाँ ड्रोन से कैप्चर करने की कोशिश किया है। इस ड्रोन का मैं जो नाम है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप इसका रिव्यूज़ भी आप ले सकते हो। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ ड्रोन यू कैन बाय। सो ये एक मिनी ड्रोन है जिसके थ्रू इतना ब्यूटीफुल कवरेज आया है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डिटेल शेयर कर देता हूँ, सो दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज अ ड्रोन आप ख़रीद सकते हो। काफ़ी स्टेबल है ड्रोन और काफ़ी सेटिस्फाइड है हम लोग ड्रोन के कवरेज के साथ में। जस्ट हमने ट्रायल किया है ड्रोन का कवरेज लेने का, सो काफ़ी अच्छा कवरेज आया है ड्रोन का, आप देख सकते हो काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी हाइट पर जाके कवरेज करता है। सो चलो अभी हमारे गिम्बल की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये अभी मैंने फिर से वॉक करते हुए गिम्बल का यूज़ किया है। सो मैं आगे चल रहा हूँ और मेरे पीछे सर गिम्बल के ऊपर में मोबाइल अटैच करके शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो इतना स्टेबल नहीं है कवरेज। कुछ अभी मैं रनिंग करते हुए भी ये गिम्बल से फुटेज लेने की कोशिश किया है, सो आप देख सकते हो कितना शेक हो रहा है ये। और ऐसे परफॉर्मेंस अगर रहेगा तो नॉट वर्थ। सो इसका और एक फीचर है डायना जूम करके, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मूव आउट का फीचर है, सो ये मूव आउट में जब करते हैं तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड करता है। और एक फीचर है इसका वाला मूव इन, सो ये जो मैं अभी कवरेज दिखाऊंगा ये मूव इन के है। सो ये मूव इन है, इसमें धीरे धीरे कैमरा क्लोज लेके आना पड़ता है टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा मुझे बट स्टिल इट्स नॉट दैट मच परफेक्ट। हे गाइस, सो आपको काफ़ी मज़ा आया आई होप। ये है ब्यूटीफुल दृश्य और जो मैंने गिम्बल के शॉट्स रिकॉर्ड किए आज आनंद सर के साथ में वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग थे। उतना खास फुटेज और उतना खास व्यू आज के ब्लॉग में नहीं आया गिम्बल का, बट नेवर द लेस द व्यू आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और ये प्लेस है मावड़ में स्थित पवना नगरी में और काफ़ी इन्जॉय किया हमने आज का प्लेस और कोशिश की है कि एक बिल्कुल G2 गिम्बल के शॉट्स को रिकॉर्ड किया जाए, बट इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं बट जो स्टेबिलिटी जो है उसकी उतनी खास नहीं है।
और काफ़ी रोटेट होता रहता है, और इसका जो मोटर का सपोर्ट है उसके वजह से भी काफ़ी रोटेट होता रहता है। ये भी जो मैं सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इसी गिम्बल से ही कर रहा हूँ। सो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अभी नेक्स्ट गिम्बल परचेस करने वाला हूँ, उसका भी फुटेज आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल में, मेरे साथ में, और चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अमित ट्रैवल व्लॉग्स। सी यू देन, बाय बाय। काय आया रहा पगन, अरे देवा कसा रिकॉर्ड करता है बगा पूरी दुनिया हिला डालेगा गिम्बल आपकी। देखो जैसे कि आप देख सकते हो ब्लॉग में